वेलकम फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज हम दिवाली स्पेशल स्वीट बनाने वाले हैं। बंगाली रसगुल्ला बनाएंगे आज हम। अगर आप जानना चाहते हैं ये जूसी बंगाली रसगुल्ला कैसे बना है तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, और इस दिवाली आप अपने घर पे ही हेल्दी और एकदम टेस्टी मिठाई आप खुद घर पर ही बनाएं। तो आइए इसको बनाना अब हम शुरू करते हैं। 1 लीटर हमने दूध लिया है जिसको हमने बॉईल होने रख दिया है। ये हमने 8 चम्मच चीनी ले ली है, 1 नींबू लिया है और 2 इलायची। अब देखिए हमारे दूध में जो है 1 बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम 1 नींबू का रस मिला देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अब दूध जो है फटने लग गया है। अच्छे से चलाते रहें। ये देखिए हमारा दूध और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। कितना अच्छा छेना बना है इसका, ये देखिए। अगर आपको लगता है 1 नींबू से अगर आपका दूध नहीं फटा है तो आप इसमें दूसरा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने छेने को इसमें ड्राई कर लेंगे। आप एक स्ट्रेनर ले लें, उस पर एक कोई पतला सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा ले लें, आप उस पर इसे ड्राई करें। ये देखिए, और इसको हम अब ऐसे चारों कोनों से उठा लेंगे और इसको अब हम थोड़ा साफ पानी से धोएंगे ताकि इसमें जितनी भी खटास है वो निकल जाए। हमने इसमें नींबू यूज किया था, आप इसे साफ पानी से धो लें। ये देखिए हमने इसे नॉर्मल पानी से धो के अच्छे से इसकी खटास निकाल ली है। इसको हम चारों कोनों से पकड़ के इस तरीके से एक पोटली बना लें। सारा पानी जो है आप इसमें निकाल दें। इसे ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो जो रसगुल्ले हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे। उसको आधा घंटा करीब अब आप ऐसे ही लटके रहने दें, इसे नल से इस तरीके से लटका दें। आधा घंटा हो चुका है, हम अपना छेना चेक कर लेते हैं। ये देखिए ड्राई है, और इसे ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहे इतना रखना है हमें। तो हम अब प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हमने पनीर को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको हाथ से हम मसल के बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। इसे आप इस तरीके से हथेली से मसलें, इसे बिल्कुल स्मूथ कर लें। तो हम इसी तरीके से 6 से 7 मिनट करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से इसको बिल्कुल स्मूथ करना है हमें डो की तरह। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, ये काफी सॉफ्ट और स्मूथ होने लगा है। इसके साथ ही हम 3 मिनट और करेंगे। इसके साथ ही अब हम चाशनी बनने रख देते हैं ताकि जब तक वो भी हमारी रेडी हो जाएगी। हम रसगुल्ले कुकर में बनाएंगे तो हम इसमें कुकर में ही चाशनी बनने रख देते हैं। चीनी, इसमें हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। उसको हमें चाशनी को ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, एकदम पतला रखना है।
में ही हम इसमें दो इलायची डाल देते हैं और चाशनी बनने देते हैं और चलते हैं अपने पनीर को और सॉफ्ट करने। हाँ ये देखिए हमारा जो छेना है एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप इसको इस तरीके से इकट्ठा करके देखिए, अगर ये बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है तो ये रेडी है रसगुल्लों के लिए। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो आप ज्यादा प्रेशर देके ना बनाएं, हल्के हाथों से एकदम बनाएं, इसे अच्छे से राउंड करें। ये देखिए हमारा ये एक रसगुल्ला तैयार है। आप इसे इतना बड़ा बनाएं क्योंकि ये अभी फूलेगा भी तो एक अच्छा खासी इसकी शेप आ जाएगी स्पंज रसगुल्ले की। और इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी करते हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हैं। ये 1 लीटर में हमारे 15 रसगुल्ले बने हैं। मैंने इसे थोड़ा छोटा ही रखा है, आप इसे अपने मन पसंद के साइज का भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने चाशनी को 1 बॉईल होने तक गर्म कर लिया था। ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है। अब इसके अंदर हम अपने रसगुल्ले डाल देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने देंगे और 1 सीटी बाद हम इसे बिल्कुल मीडियम करके 5 मिनट तक पका लेंगे। 1 सीटी आ चुकी है। अब इसको हम बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। हम इसे कुकर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ताकि हीट जो है अच्छी इवनली बने और ये काफी अच्छे फूले। हलवाई जो है इसे बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, पतीलों में बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से अच्छे बन जाते हैं। हम अपने घर में फैमिली के हिसाब से हम 15-20 बनाते हैं तो कुकर में ये अच्छे बनेंगे। 5 मिनट बाद हमने गैस बंद कर दी है। अब इसका जो प्रेशर है हम रिलीज होने देंगे और उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए प्रेशर रिलीज हो चुका है, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए कितने हमारे सुंदर बने हैं रसगुल्ले और कितने अच्छे फूले हैं। ये देखिए डबल हो गया इनका साइज, काफी स्पॉन्ज भी बने हैं। ये देखिए बहुत ही फ्लफी हो रहे हैं। आप इनको थोड़ा ठंडा कर लें, फ्रिज में रख के एकदम ठंडा ठंडा सर्व करें। ये देखिए हमारे बंगाली रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें ठंडा करके सर्व करें। आप हमारी इस रेसिपी को इस दिवाली जरूर ट्राई करें। हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।